नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। 25 मार्च से हल्द्वानी में उपनल के 700 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। सभी उपनल कर्मचारी बुद्ध पार्क में हड़ताल पर बैठे हैं, जिसकी वजह से सुशीला तिवारी अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हड़ताल पर बैठे उपनल कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांग समान कार्य, समान वेतन और नियमितीकरण करने की है। वहीं उपनल की महिला कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है और अब वह बुद्ध पार्क में ही होली मनाएंगी, क्योंकि हड़ताल के कारण ना ही वो होली की तैयारी कर पा रही हैं और ना ही घर में पापड़ गुजिया बना पा रही हैं, इसलिए वो सभी यहीं धरना स्थल पर परिवार सहित होली मनाएंगी। हमारा हड़ताल का आज 25 तारीख से हम स्ट्राइक पे, पहले तो हमने चेतावनी दी थी, हमने कार बहिष्कार किया था और जो उसके बाद फिर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे अब आ गए हैं। अपना घर परिवार छोड़ के इससे पहले भी हम यहाँ हड़ताल पे कई महीनों तक बैठे रहे, लेकिन सरकार ने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। यहाँ पर कम से कम 15-16-20 साल से स्थायी जो कर्मचारी हम सब लोग कार्य कर रहे हैं, सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। चीज़ें बार बार दोहराई जा रही हैं, सरकार को भी बार बार दोहराया जा रहा है कि हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, हमने कोविड में इतनी सेवा करी है, अपनी जान जोखिम में डाली है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। हमारी मांग एक ही है कि हमें जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है अब उसका मान कर रखे सरकार और अपना सुप्रीम कोर्ट से वापस लेते हुए हमें नियमितीकरण दे जो हाई कोर्ट ने बोला कि। बिल्कुल सर, बिल्कुल, होली भी हम यही मना रहे हैं, अपने परिवार को छोड़ के बैठे हैं, लोग अपने अपने घरों में होलियाँ बना रहे हैं, गुजिया बना रहे हैं, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ना हमारे पापड़ बन रहे ना गुजिया बन रही है, गुजिया पापड़ तभी बनेंगे ना जब यहाँ हमारी सरकार मांगे करे। हरिद्वार में भाजपा विधायक सुरेश राठौर को निरंजनी अखाड़े ने महामंडलेश्वर बनाने का फैसला किया है। हालांकि सुबह ही निरंजनी अखाड़े के संतों ने फैसला किया था कि कोई भी ग्रस्त अखाड़े में नहीं रहेगा, लेकिन दोपहर बाद ही भाजपा विधायक सुरेश राठौर को महामंडलेश्वर बनाने का ऐलान कर दिया गया। खुद भाजपा विधायक सुरेश राठौर ने महामंडलेश्वर बनाए जाने की पुष्टि की है। महामंडलेश्वर बनने के साथ ही सुरेश राठौर कुंभ के शाही स्नान में स्नान भी करेंगे, चूंकि शाही स्नान पर नागा संतों के साथ साथ महामंडलेश्वर भी शाही स्नान करते हैं। हालांकि से पहले सुरेश राठौर रविदासाराचार्य भी बन चुके हैं। सुरेश राठौर ने कहा कि अब वो रविदासाराचार्य महामंडलेश्वर सुरेश राठौर जी महाराज कहलाएंगे। कार्यकर्ता को इस रंगे त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, जो आपकी सद्भाव का एक संदेश देता है, मित्रता का भाव देता है और अखंडता का भाव देता है। होली का त्यौहार नजदीक आते ही अवैध शराब कारोबारी बड़े स्तर पर शराब तस्करी करते हैं, जिस पर अंकुश लगाने के लिए काशीपुर जिले के मुखिया ने सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके बाद आईटीआई थाना अध्यक्ष और कुंडेश्वरी चौकी इंचार्ज दोनों एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। निर्देश मिलते ही कुंडेश्वरी चौकी इंचार्ज दीपक कौशिक ने अवैध कच्ची शराब के कारोबारी पर कार्रवाई करते हुए 10,000 लीटर लहन नष्ट की है और बड़ी मात्रा में कच्ची शराब को बरामद किया है। तो दूसरी ओर जिन लोगों पर अवैध शराब की तस्करी के मुकदमे चल रहे हैं, उन शराब माफियाओं पर पुलिस नजर बनाए हुए है और आईटीआई थाना अध्यक्ष विद्यादत्त जोशी के नेतृत्व में टीमें गठित कर जगह जगह चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। सड़क पर चल रहे वाहनों की बारीकी से चेकिंग भी की जा रही है। ये आगामी होली के त्यौहार को लेके एक सौहार्द मीटिंग भी कराई गई है और उसमें जो ये शराब को लेके जो लोग ज़्यादा शराब का कारोबार थोड़ा सा ज़्यादा चलता है होली में, तो उसको लेके पुलिस द्वारा जो है जगह जगह पर अपनी टीमें बना के चेकिंग अभियान शुरू किया है और ऐसे लोगों को चिन्हित भी कर रहे हैं जो लोग इस कारोबार में पिछले कई सालों से जो प्रकाश में आए हैं, उन लोगों को हम चिन्हित कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई सूचना है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। बाजपुर के क्रेशर संचालक ने क्रेशर के कर्मचारी समेत उसके 4 रिश्तेदारों पर 7 करोड़ के गबन का आरोप लगाते हुए बन्नाखेड़ा पुलिस चौकी में तहरीर दी है। पुलिस ने क्रेशर स्वामी की तहरीर के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि बाजपुर के दाबका स्टोन क्रेशर के स्वामी सुखदेव सिंह ने बन्नाखेड़ा पुलिस चौकी में तहरीर देकर बताया कि उन्हें क्रेशर में काम करने वाले इंद्रजीत मेहता पर अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर क्रेशर के करोड़ों रुपए का गबन करने की भनक लगी थी। जब खाते चेक किए गए तो पता चला कि इंद्रजीत मेहता ने अपने रिश्तेदार राम रावल, एकता मेहता, मनीष खुल्लर और सतीश कुमार के साथ मिलकर 7 करोड़ रुपए का गबन कर लिया है। पीड़ित क्रेशर स्वामी ने पुलिस से इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने इंद्रजीत मेहता समेत सभी लोगों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं सीओ दीपशिखा अग्रवाल ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है, जिसके बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, एक ही बाजपुर में स्टोन क्रेशर है, दाबका स्टोन क्रेशर, इनके जो डायरेक्टर हैं, इनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी, एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें इनके द्वारा बबताया गया था कि कुछ लोगों द्वारा लगभग 7 करोड़ रुपए का गबन किया गया है, धोखाधड़ी की गई है, इसमें जांच की गई और विस्तृत विवेचना के आदेश हुए हैं। इसमें 5 लोग नामजद हैं, मुकदमा पंजीकृत हो चुका है और अग्रिम विवेचना की जा रही है।
ऋषिकेश में कुंभ मेला और चार धाम यात्रा शुरू होने में अब कुछ ही समय शेष रह गया है। ऐसे में शहर के अंदर बढ़ने वाले ट्रैफिक के दबाव को लेकर पुलिस अधिकारी चिंतित नजर आ रहे हैं। ट्रैफिक को किस प्रकार व्यवस्थित करा जाए, इसके लिए नोडल अधिकारी SSP टिहरी तृप्ति भट्ट ने मुनिकीरति ऋषिकेश लक्ष्मण झूला थाना के निरीक्षकों के साथ कोतवाली में बैठक की। इस दौरान ट्रैफिक प्लान को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर गहन चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि 3 अप्रैल तक ट्रैफिक प्लान तैयार कर 4 अप्रैल को प्लान की मॉक ड्रिल की जाएगी। यदि मॉक ड्रिल के दौरान कुछ कमी मिलती है तो 6 अप्रैल को फिर से कमियों को दूर कर मॉक ड्रिल की जाएगी। मॉक ड्रिल सफल होने पर 7 अप्रैल से ट्रैफिक प्लान शहर में लागू कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि ट्रैफिक प्लान का नियम लोगों को भी फॉलो करना होगा। SSP ने चेतावनी दी है कि ट्रैफिक प्लान के नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगामी कुंभ और चारधाम यात्रा के परिपेक्ष में जनपद टिहरी गढ़वाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल और देहरादून के ऋषिकेश क्षेत्र के सभी अधिकारियों के साथ आज मीटिंग ली गई, जिसमें अच्छा एक जो अंतर जनपदीय समन्वय और आगामी जो यातायात व्यवस्था है, ट्रैफिक है, रूट प्लान्स हैं, डाइवर्जेंस हैं, कौन से इलाके वन वे रहेंगे, पार्किंग्स की व्यवस्था की समीक्षा, इसके अलावा जो विक्रम टेम्पो इत्यादि चलते हैं उनके संचालन के संबंध में जो भी हमारे आपसी समन्वय के बिंदु थे उन पे आज मीटिंग ली गई। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद। नगर पालिका परिषद फरुखाबाद होली, नव दुर्गा और रामनवमी के पावन पर्व के अवसर पर नगर वासियों का हार्दिक अभिनंदन व अपील करती है कि समस्त नगर वासियों से अनुरोध है नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में पालिका को सहयोग प्रदान करें। गीला व सूखा कूड़ा अलग अलग कूड़ेदान में ही डालें। PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि परियोजना के अंतर्गत सभी पटरी दुकानदारों से अनुरोध है कि ऑनलाइन पंजीकरण कराकर योजना का लाभ उठाएं। वैश्विक महामारी COVID-19 कोरोना के बचाव हेतु आवश्यक दूरी बनाए रखें, अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें, आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें एवं समय समय पर सैनिटाइजर साबुन का इस्तेमाल करें। खुले में शौच ना करें और ना ही दूसरों को करने दें। नगर पालिका द्वारा बनाए गए सामुदायिक बाथ सार्वजनिक शौचालयों का ही प्रयोग करें। निवेदक नगर पालिका अध्यक्ष वत्सला अग्रवाल, निवेदक अधिशासी अधिकारी रविंद्र कुमार, निवेदक प्रधान लिपिक नसीम अहमद जावरी, निवेदक नगर पालिका बाबू मुकेश शर्मा। नगर पंचायत शमशाबाद होली, नवदुर्गा व रामनवमी के पावन पर्व के अवसर पर नगर पंचायत वासियों का हार्दिक अभिनंदन व अपील करती है कि समस्त नगर पंचायत वासियों से अनुरोध है नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में नगर पंचायत को सहयोग प्रदान करें। गीला व सूखा कूड़ा अलग अलग कूड़ेदान में ही डालें। PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि परियोजना के अंतर्गत सभी पटरी दुकानदारों से अनुरोध है कि ऑनलाइन पंजीकरण कराकर योजना का लाभ उठाएं। वैश्विक महामारी COVID-19 कोरोना के बचाव हेतु आवश्यक दूरी बनाए रखें, अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें, आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें एवं समय समय पर सैनिटाइजर साबुन का इस्तेमाल करें। खुले में शौच ना करें और ना ही दूसरों को करने दें। नगर पंचायत द्वारा बनाए गए सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय का ही इस्तेमाल करें। निवेदक नगर पंचायत अध्यक्ष कृष्णा देवी गुप्ता, निवेदक नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी आशीष कुमार, निवेदक प्रधान लिपिक मुनिर खान।